ने दो जुमले कहे थे, दूसरा कहा था कि इंसान को बेदार तो होने में दो, हर कौन पुकारे कि हमारे हैं हुसैन। तो अजीजान मोहतरम, ये कोई एक खास इंतजाम है जो जहाँ तक आया है, जहाँ तक हमें पहुँचाया गया है। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूँ, देखिएगा जब हम हिंदुस्तान पढ़ते हैं तो किस तरीके से हिंदुस्तान पढ़ते हैं, और जब हम हिंदुस्तान सुनते हैं तो फिर किस तरीके से हिंदुस्तान सुनते हैं। लिहाजा आज हिंदुस्तान में रहने वालों को अलग अलग तरीके से फख्र है। हमारे पास शोहरत है इसलिए फख्र है, हमारे पास दौलत है इसलिए फख्र है, कोई किस तरीके से फख्र करता है, कोई किस तरीके से फख्र करता है, मगर हमारा सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम हिंदुस्तानी शिया है। सबसे बड़ा हमारा फर्क यह है कि हम हिंदुस्तानी शिया है। और मुझे कुछ शेर याद आ गए हैं और मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा, एक दूसरे पहुंचाना चाहता हूँ कि जब हम हिंदुस्तान पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, और जब आप लोग हिंदुस्तान सुनते हैं तो कैसे सुनते हैं। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बस एक मुल्क ऐसा है सारे जहान में, जिसकी सलाह मिले कि हमें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियाँ तमाम है हिंदुस्तान में। आवाज क्या हुसैन की सारी फजा में है, मातम की भंगड़ा किसी आबो हवा में है। फैसल जो दुश्मन था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बुकूल का, दुश्मन था जो रसूल का, हाले रसूल का, अरे पूछो तो क्यों गिरा दिया रोजा फतूल का। इतनी जमीन नहीं है सऊदी जहान में, जितने मां पाए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब 1947 में बंटवारा हुआ था, कि 10 मुहर्रम की सरकारी तादीर होकर रहेगी। तो मेम्बराज पार्लियामेंट ने कहा था कि सरकारी तादीर तो होकर रहेगी, मगर सरकार ये बताइए करना क्यों चाहते हैं। तो पंडित जी ने ये कहा था, 1947 पंडित जी ने कहा था 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में, यानी बामुताबिक 680 ईस्वी में 12 अक्टूबर जुमे के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मैदान करबला दुश्मनों के दरमियान में घिर गए थे, तो उन्होंने किसी और मुल्क जाने की तमन्ना नहीं की थी, बल्कि हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी। हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है। और अभी जाने मोहतरम, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो सन 680 ईस्वी में न कोई मस्जिद थी, न कोई इमामबाड़ा था, न कोई खानखा था। तो फिर आप कहेंगे कि जब 680 ईस्वी में कोई न मस्जिद था न इमामबाड़ा था, तो फिर आखिर इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान में आने की तमन्ना क्यों की थी। भाई मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है इक्का दुक्का इमामबाड़ा हो, इक्का दुक्का मस्जिद हो, मगर सन 680 ईस्वी में न मस्जिद थी, न इमाम वाले थे, न मुसलमान थे, मगर 680 ईस्वी में हिंदुस्तान में इंसानियत तो थी। इसलिए इमाम हुसैन ने यह कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो, मुझे हिंदुस्तान जाने दो। तो सिख शायर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा था कि हको बातिल अलग किया तूने, हको बातिल अलग किया तूने, कौन को जिंदा किया तूने, जी तो मरना सभी को आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। और हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता गांधी जी ने भी कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसे मेरे साथ में 72 सिपाही होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद कर देता। क्या है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अलीजान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक जात का नाम नहीं है, किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन एक किरदार का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है। और इसी तरीके से यजीद भी किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है, एक किरदार का नाम नहीं है, बल्कि यजीद भी एक कैरेक्टर का नाम है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की कभी बेयत नहीं कर सकता है। का मतलब यह था कि कभी भी हुसैनी फिक्र जदीदी फिक्र के सामने झुक नहीं सकती है।
फरमाई तकरीर सुनी है और मैं भी उसको दोहरा देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान के गुरु नानक जी जब अपने शागिर्द को अपने चेले को दर्श दे रहे थे और तब तो चाहूंगा आपकी को दर्श देते देते उन्होंने कहा कि गुरु हुसैन का गम मनाया करो। तो एक मरतबा चेले ने कहा, शागिर्द ने कहा, गुरु जी हम हुसैन का गम क्यों मनाए, वो तो मुसलमानों के इमाम है। तो एक मरतबा गुरु जी ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, जाओ अपनी बहन के साथ में विवाह कर लो, जाओ अपनी बहन के साथ में शादी कर लो। एक मरतबा उनके चेले ने कहा, शागिर्द ने कहा, गुरु जी आप कैसी बातें कर रहे हैं। एक मरतबा गुरु जी ने तो गुरु नानक जी ने कहा, तो नहीं कर सकते हो। कहा गुरु जी मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा है। एक मरतबा गुरु नानक जी ने कहा कि किस जमीर की तू बात कर रहा है, अरे उसी जमीर को हुसैन कहते हैं। जमीर को हुसैन कहते हैं। अंजान मोहतरम दोनों बाद हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल फरजंदे अली इब्न अबी तालिब और यजीद कौन है, यजीद इब्न मुआविया इब्न अबी सुफयान, जो मुआविया का बेटा जिसका दादा अबू सुफयान है, क्या था तब करबला में हक और बातिल के लिए पहुंचे थे। यजीद क्या चाहता था, यजीद ये चाहता था कि हक दब जाए, जो हलाल है वो हराम हो जाए, पर्दा खत्म हो जाए, माँ और बहन और बीबी में कोई फर्क ना रहे। कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया, कोई नबी नहीं है, कोई वही नहीं आई, बस अली जान मोहतरम किसी को समझाने के लिए और किसी को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को तो मदीने से करबला के लिए निकले। दो मुहर्रम को वारिद करबला हुए और 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने यजीद की बातों का जवाब देते हुए ये कहा कि यजीद अगर तू ये चाहता है हक हक न रहे, हलाल हलाल न रहे, तो हमें अपने घर वालों की और अपने अजीज अकारिब की शहादत तो मंजूर है, मगर हक हक रहेगा, हलाल हलाल रहेगी रहेगा। और अजीजान मोहतरम यही बताने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में अपने साथ अपने 72 साथियों की बेटों की भाइयों की कुर्बानी दे के हक को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, दीन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, कुरान को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, दीन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, पर्दे को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जो यजीद चाहता था उसे खत्म कर दिया, जो हुसैन चाहता था उसे जिंदा कर दिया। अगर आज ये अजानों की आवाजें आ रही हैं, ये सजदे हैं, ये रुकू जिंदा है, ये कयाम, ये फुरूक, ये नमाज, ये अजान व अकामत, तो समझ लीजिएगा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। अगर इमाम हुसैन अपनी कुर्बानी न देते तो न आज अजान होती, न अकामत होती, न सजदे होते, न रुकू होते। ये जिंदा है तो समझ लीजिएगा, मुझे किसी शहर के चार मित्र याद आ गए कि हुसैन जिंदा है तो पूरे जिंदगी की तरह, और शहीद मरता नहीं आम आदमी का तरह। और यजीद फैल गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैलाए दुनिया में रोशनी की तरह। ये आज जो अजानों की आवाज़ें आ रही है, ये जो आज सजदे बाकी हैं, ये जो मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जा रही है, हकीकत ये हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में 72 चराग जगा दिए और पूरी दुनिया से अंधेरे को खत्म कर दिया। बस अजीजा ने मोहतरम, जब तक भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हम पैगाम, जब तक भी जिंदा है हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये पैगाम ता कयामत तक देते रहेंगे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया कि देखो, चाहे सर तन से जुदा हो जाए, चाहे जान चली जाए, मगर कभी जालिम से हाथ न मिलाना, कभी जालिम से बैत न करना, कभी हक बात बताने से, कभी हक बात कहने से न टकराना, कभी हक बात कहने से न डरना। तो इसलिए कि जिंदा वही है जो हक बात कह दे, जिंदा वही है जिसके अंदर इंसानियत पाई जाए, जिंदा वही है जिसका जमीर जिंदा हो। बस अली जान मोहतरम इसी तकरीब के साथ में जो है हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और खुदा वंदे आलम से दुआ करते हैं कि पूरा दिवार आलम आइंदा साल भी हमें
इस पर से आगा बिछाने की तौफीक अता फरमाए।